गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अंकिता गौर, योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम लियाल पब्लिक। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर टू, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एंड द की टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर इज, नंबर वन इज व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर, व्हाट इज मिनी कंप्यूटर्स, व्हाट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेज एंड एम्बेडेड कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स फॉर डिफरेंट यूजेस। आपको पता है कंप्यूटर का जो यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग फील्ड्स। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू फोर टाइप बेस्ड ऑन देयर साइज। और इनको किसमें कैटेगराइज किया गया है, फोर टाइप्स में, और उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एंड उनके कॉस्ट के अकॉर्डिंग। सो नंबर वन इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज एंड कैपेबिलिटीज। इनका जो साइज है वो क्या है, स्मॉलर है। दे आर जनरली यूज्ड इन स्कूल, ऑफिस, शॉप्स एक्सेट्रा। आपका ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये कहाँ पे यूज होते हैं अधिकतर, स्कूल्स में, ऑफिस में, शॉप्स में, ओके। और इसके अलावा इनका अलग अलग यूज है अलग अलग जगह पे, ओके। दे आर द मोस्ट पॉपुलर एंड मल्टीपर्पज कंप्यूटर। और ये क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलर और मल्टीपर्पज कंप्यूटर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इन्हीं का ही सबसे ज्यादा यूज होता है और इनमें हम अधिकतर बहुत काम कर सकते हैं। दे दीज कंप्यूटर्स आर चीपेस्ट एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम, मिनी एंड सुपर कंप्यूटर। इनकी जो रेट होती है उनका, वो कंपेयर अगर हम करें बाकी जो थ्री टाइप के कंप्यूटर है उनसे कम है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट्स। और इसके एग्जाम्पल्स कौन से माइक्रो कंप्यूटर के, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट। डेस्कटॉप आर कैप्ट ऑन अ डेस्क। जो डेस्कटॉप होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, डेस्क पे रखते हैं एंड नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। और इनके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। लैपटॉप एंड टैबलेट्स कैन बी कैरिड अलॉन्ग एंड वर्क ऑन चार्जेबल बैटरीज। जो लैपटॉप्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, ये इसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और इनके लिए क्या है, चार्जेबल होते हैं ये, इनमें बैटरीज के थ्रू ये वर्क होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर कैपेबल देन माइक्रो कंप्यूटर। इनकी जो मतलब वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू माइक्रो। दे आर फास्टर एंड हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी। और ये क्या है, कंपेयर अगर हम माइक्रो से करेंगे तो ये बहुत फास्ट होते हैं और इनकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर यूज लेस दीज डेज। अभी इनका क्या है, यूज कम हो रहा है इन दिनों में। एग्जाम्पल्स आर GP11, K202, ओके एंड एक्सेट्रा। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं, CDP11 है, K202 है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके, मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर के, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। Mainframe computers are more capable computers. They are larger in size. इनका साइज क्या होता है, लार्जर होता है, फास्ट होता है और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मिनी कंप्यूटर से, ओके। दीज आर मोस्टली यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां पे ये यूज होते हैं, ओके। वे आर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नीड्स टू स्टोर। और इनके सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज हो रहे हैं, जहाँ पे आपका लार्ज अमाउंट का जो डेटा होता है उनको स्टोर अगर अपने को करना होता है तो वहां पे ये यूज होते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं किससे, मिनी कंप्यूटर। दीज आर मोस्टली यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नीड्स टू बी स्टोर। जहाँ पे आपको ज्यादा डेटा की स्टोर जरूरत होती है, ज्यादा मतलब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, ठीक है, यहाँ पे किसका यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ICL 39, IBM 4381, Hitachi Z80, IBM Z30 एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर।
Super computers are the most powerful computers. They are very expensive. They are used in forecasting weather. सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं बहुत। इसके अंदर हम जो भी वेदर से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो देख पाते हैं, सैटेलाइट को कंट्रोल कर पाते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके डिजाइनिंग बनती है, कोई आपको अर्थक्वेक के रिगार्डिंग स्टडी करनी है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर क्रे, XMP, पेस, टाइटन एक्सेट्रा। द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज सनवे टेहुलाइट, डेवलप्ड बाय चाइना। जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अपने वर्ल्ड में वो किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। उसका नेम क्या है? सनवे टेहुलाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ सनवे टेहुलाइट। एट टू नॉलेज परम, 10,000, परम युवा एक्सेट्रा आर सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड बाय इंडिया। जो आपके परम 10,000 है, परम युवा है, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर्स के नेम है और इसको किसने बनाया है? इंडिया ने बनाया है। ओके, हैंडहेल्ड डिवाइसेस। अ हैंडहेल्ड डिवाइसेस इज अ कंप्यूटर दैट इज हेल्ड इन अ हैंड। ये कहाँ, मतलब जो हैंडहेल्ड डिवाइस होते हैं ये भी एक तरीके के कंप्यूटर होते हैं, बट इनको हम हेल्ड कहाँ रख, मतलब कहाँ पे यूज इनका होता है, इसको हम कैसे रखते हैं? इनको अपने हैंड में रखते हैं। एंड कैन कन्वीनियंटली बी स्टोर्ड इन अ पॉकेट, और ये हमारे पॉकेट के अंदर भी रहता है। इट इज यूज वाइल होल्डिंग इट। टच स्क्रीन इज द प्राइमरी मेथड ऑफ इनपुट। जो टच स्क्रीन है वो इसका प्राइमरी मेथड है इनपुट का सच डिवाइसेस। जो मतलब अपने सपोज कीबोर्ड का अगर यूज करना है तो किसके थ्रू कर रहे हैं हम? टच मेथड का, मतलब टच स्क्रीन का यूज करके। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, गेमिंग कंसोल्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइसेस। जो आपके स्मार्टफोन्स हैं अपने जो भी यूज कर रहे हैं, इसके अलावा जो स्मार्ट वॉचेस हैं जहाँ पे, ठीक है, और गेमिंग जो होती है जहाँ, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? हैंडहेल्ड डिवाइसेस। स्मार्टफोन, ये देखिए, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ स्मार्ट। स्मार्टफोन्स आर हैंडहेल्ड डिवाइसेस दैट अलाउज अस टू मेक और रिसीव कॉल्स एंड सेंड मैसेजेस। ये क्या है? स्मार्टफोन एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जो अलाउ करता है कि इसके लिए आपको कोई कॉल्स रिसीव करनी है, मैसेज सेंड करने हैं, कोई मूवीज देखनी है, कुछ भी गेमिंग वगैरह, कैमरा का यूज करना, इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, ये सब क्या हो जाता है आपके इसके अंदर हो जाता है स्मार्टफोन में। दे हैव एन एलसीडी फ्लैट स्क्रीन। इसकी एक एलसीडी फ्लैट स्क्रीन होती है और टच स्क्रीन कीबोर्ड होता है। These devices have features. कौन कौन से फीचर्स हैं? सच एज कैमरा, गेमिंग, वीडियो एक्सेट्रा, एंड कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट ऑल्सो। स्मार्ट वॉचेस। स्मार्ट वॉचेस आर वेयरेबल कंप्यूटिंग डिवाइस वॉर्न ऑन अ यूजर रिस्ट। जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, वो भी एक कंप्यूटर का वेयरेबल कंप्यूटर डिवाइसेस है, ठीक है, और इसको हम कहाँ पे पहनते हैं? रिस्ट पे पहनते हैं। दे ऑफर फंक्शनैलिटी सिमिलर टू दोज ऑफ अ स्मार्टफोन लाइक कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। जैसे आपके जो स्मार्टफोन होते हैं, जब उनको कनेक्ट जितनी फैसिलिटीज जो फंक्शनैलिटी होती है उसकी एकदम सिमिलर होती है। इसके अंदर भी हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, आपका रनिंग मोबाइल ऐप इसके अंदर यूज हो रहे हैं, कॉल्स का यूज हो रहा है, तो ये सब अपने एक वॉच के अंदर यूज कर सकते हैं। गेमिंग कंसोल। गेमिंग कंसोल्स आर हैंडहेल्ड डिवाइस दैट आर यूज टू प्ले गेम्स एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस। अपने कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर आपको कोई गेम खेलने की मतलब रिक्वायरमेंट लग रही है या इच्छा हो रही है तो हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं। दीज डिवाइसेस आर डिजाइन फॉर इंटरेक्टिव वीडियो गेम प्ले एंड। नाउ नेक्स्ट वन इज एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? एन एम्बेडेड कंप्यूटर इज अ स्मॉल कंप्यूटर फिक्स इनसाइड अ मशीन। जो आपकी मशीन होती है उसके अंदर जो लगे हुए होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके एम्बेडेड कंप्यूटर। अगर इसका एग्जांपल है जैसे सपोज वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जब वर्क करती है, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, ठीक है, आपने देखा होगा, तो उसके अंदर वो सारा जो वर्क हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? कंप्यूटर के थ्रू। उसके अंदर एक इनसाइड चिप लगी होती है जिसके थ्रू वो सारा वर्क कर रहा है। इसके अलावा अपने एटीएम मशीन की बात कर सकते हैं, ट्रैफिक लाइट हो गई, माइक्रोवेव हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। दिस इज द कंप्यूटर विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड रिक्वायरमेंट used as a part of a larger system. Just like an ordinary computer, an embedded computer has the essential components, CPU, RAM, ROM, input devices, output devices, and the clock. Embedded computers are present in many devices such as PC machines, modern TV sets,
डिजिटल कैमरास, डीडी प्लेयर्स, मोटर व्हीकल्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव, डिश वॉशर्स एंड ट्रैफिक लाइट। ओके, ये देखिए, दीज एग्जाम्पल्स आर द एम्बेडेड सिस्टम। एटीएम, डिजिटल कैमरा, कार, ट्रैफिक लाइट, माइक्रोवेव, डीडी प्लेयर। नाउ नेक्स्ट टिप ऑफ दिस, वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम ओवन लीड्स टू आई स्ट्रेन। अगर आप कंटिन्यू मतलब वर्क करेंगे बहुत टाइम तक कंप्यूटर पे, तो आपकी क्या होगी, आई साइट वीक होगी, आपके आईज में प्रॉब्लम रहेगी, आपके हेड एक होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, इसका हेल्थ टिप है आपकी। होल्ड अ पेंसिल एट आर्म लेंथ, कीप योर आईज फिक्स ऑन अ पेंसिल टिप, मूव द पेंसिल स्लोली टुवर्ड्स द नोज, रिपीट द एक्सरसाइज 7 to 10 टाइम्स। अगर आपको आपकी आईज सही रखनी है तो आपको क्या करना है कि आपको पेंसिल को होल्ड करके रखना है आर्म में एकदम, ठीक है, स्ट्रेट हैंड रखी है, और उसके बाद उसको कंटिन्यू देखिए, और फिर पेंसिल की टिप को उसके बाद धीरे धीरे उसको मूव करिए स्लोली स्लोली, और नोज के पास लेके आइए, और उसके बाद उसको रिपीट आपको करनी चाहिए एक्सरसाइज 7 to 10 टाइम्स। ओके, एंड द समरी ऑफ दिस चैप्टर इज, कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर साइज, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। द 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को जो कैटेगराइज किया गया है वो 4 टाइप्स में किया गया है, उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग। आपके 4 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है। अ हैंडहेल्ड डिवाइस इज द कंप्यूटर दैट इज हेल्ड इन अ हैंड एंड कैन कन्वीनियंटली बी स्टोर्ड इन अ। An embedded computer is a small computer fixed inside a machine. जो ये मशीन के inside होता है। Okay, students. So now, students, we have complete this chapter. In next meeting, we do some book exercises of this chapter. Okay. Take care. Bye bye.